प्रवेश करने से पहले अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने के बाद जो है क्लीनिंग करवाना आवश्यक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्लांट। ट्रैवलिंग डेडिकेशन दो बोलते हैं। लाइट लाइट चली गई है और फोन की लाइट से पैकिंग चल रही है क्योंकि सुबह सुबह निकलने वाली मॉर्निंग 4 बजे मेरे ऑलमोस्ट पैक हैं। 4 बजे उठेंगे तभी तो निकलेंगे 5 बजे। शिवा के भी ऑलमोस्ट पैक हैं, मम्मी ने आधे पैक कर दिया और मम्मी भी वेट कर रहे हैं लाइट के आने का, और जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी कम है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू प्लांट अमित। और ये है बीवी प्लांट अमित, और ये है मम्मी प्लांट अमित, वो है पापा प्लांट अमित, ये है भाई प्लांट अमित, मेरा नहीं शिवा का। तो एक रिश्ता ही सही है, दो नहीं निभाने, तो इसलिए शिवा का भाई है मेरा नहीं। बाय द वे, हम सारे भाई बहन हो जाएंगे। हाँ, और वो बहुत ही स्ट्रेंज फील करेगा सबको। तो हम अभी निकल चुके हैं और मम्मी अपना चश्मा भूल चुकी है। पूरी दुनिया ने उठा लिया। मम्मी की पनिशमेंट है कि मम्मी को चश्मा नहीं मिलने वाला। हम जहाँ जा रहे हैं वो आपको ग्रेजुअली पता लग जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह पे जा रहे हैं। आप सब लोग अपने हाथ जोड़ के बैठ जाओ स्क्रीन के आगे, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ दर्शन करने मिलने वाला है। पहनते जा रही हूँ वहाँ पे। हम जा रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत हिली जगह है। ये हमारी इंटरनल फैमिली जोक चल रही है, किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ मनु और शिवा को ही समझ आ रहा है, मेरे को भी समझ नहीं आया एक्चुअली। ओ हाँ, मैं भगत फैमिली से नहीं हूँ ना, इसीलिए ये भगत फैमिली के जोक्स हैं जो कभी कभी मेरे भी ऊपर से निकल जाते हैं, बट कोई बात नहीं। भगत, ओके सुनाओ, बैक टू, हम जहाँ जा रहे हैं वो आपको भी दिखाते रहेंगे, आप देखते रहो, हाथ जोड़ो, जय माता दी करो। जय माता दी। सो गाइस, पहला स्टॉप लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। स्वास्तिक वैष्णो ढाबा, जहाँ पर खाएंगे हम आलू प्याज के पराठे, बिकॉज यहाँ पर सबसे बेटर यही मिलता है। ये है ऊना HP, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है ऊना, ये वहाँ पर है। जिन लोगों को नहीं पता मैप में देख लो, जिन लोगों को पता है उनको पता होगा। ऐसे रोड पे खाने का अमेजिंग मज़ा आता है और उनके पराठे वराठे बहुत अमेजिंग बनाते हैं। बोल तो कोरोना टाइम चल रहा है, बट तंदूर की आइटम है, पक जाएगी अच्छे से, तो यही सोच के हम खा लेंगे। कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब जब जितने दिन ट्रैवल करना है उतने दिन कुछ तो खाएंगे ना, तो बार बार ये बात सोचने से बेटर है अच्छी जगह रोको, जहाँ ठीक लगे वहाँ रोको, क्योंकि हमें अभी तक कोई स्टॉप मिला ही नहीं था। ये पहला स्टॉप मिला है जहाँ पर खाना अवेलेबल है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और खाते हैं ब्रेकफास्ट। शिव आ गई है अपनी फेवरेट दुकानों पर, और हम पहुंच चुके हैं माता चिंतपूर्णी के मंदिर। अभी हम जाएंगे यहाँ से, ये रास्ता बिल्कुल आगे तक जाता है, आप लोगों को यहीं पर रोक देंगे। ओनली HP की जो गाड़ी है वो ही यहाँ से क्रॉस कर पाएंगी। जितना भी और पंजाब की चंडीगढ़ गाड़ी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पार्किंग है और यहाँ से वॉक करते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है मंदिर के लिए। तो गाइस, अगर आप अभी चिंतपूर्णी के मंदिर आ रहे हैं तो मेक श्योर करें नीचे पार्किंग से एक स्लिप मिलती है, उसको लेकर ही आएँ, कि अगर उसका आप बिना लिए ऊपर आएंगे तो आपको अंदर एंट्रेंस ही मिलेगी। तो अभी हमने क्या किया, हम बहुत ऊपर आ गए थे तो इन्होंने हमें बोला आगे जाके एक स्लिप लेके आने के लिए, हम वो लेने जा रहे हैं। सो जस्ट आप जब भी आएँ तो पार्किंग से स्लिप लेकर आएँ, क्योंकि वो उसके बिना एंट्री नहीं है। बहुत तेज है, हवा अच्छी चल रही है, हमें वो नीचे जाना है लेने के लिए। वो बैठे, आई थिंक वो पापा, वो नीचे ना, वो बैठे। हाँ, नीचे जाना है हमें पर्ची लेने के लिए, क्योंकि ये कोविड का चक्कर है, इसलिए वो चेक करेंगे
एवरीथिंग, देन उसके बाद हमें मिलेगी एवरीथिंग। गाइस यहीं से दर्शन कर लो, आगे अलाउड नहीं होगा। जहाँ तक वीडियो मैं बना पाऊँगा बनाऊँगा, उसके आगे आई थिंक अलाउड नहीं है। उम्मीद है कि आपके भी दर्शन बहुत अच्छे हुए, हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। ये मम्मी की विश थी, पिछले 4 साल से जब से हमारी शादी हुई है मम्मी चाह रहे थे कि हम यहाँ पर आए, एंड मम्मी की ये विश पूरी हुई है पहली। अब इसके बाद ये मंदिर है, मंदिर का नाम है बगला मुखी मंदिर। ये अभी हम बस यहाँ एंट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं, शिवा वेट कर रही है। थोड़ी धूप कम हुई है बट गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। अभी हम अंदर जाके उठ के आते हैं, मैं देखता हूँ कितना मैं शूट कर पाया तो मैं शूट करूँगा एज यूजुअल आपको दिखाने के लिए। बट अभी से बाहर का व्यू देखो और यहीं से हाथ जोड़ लो। तो गाइस हम रुके हैं यहाँ बर्गर खाने के लिए, बर्गर एंड लाइम सोडा। और अभी हम थोड़ा ऊपर चढ़ के आते हैं, देखते हैं क्या है। तेरी तो वो गाड़ी पार्क की है, पत्थर पत्थर। वाओ वाओ, बस इससे ऊपर जाने की जगह है बट वहां से है वो जाने जगह है। ये व्यू देखो पहाड़ों का, बट अभी बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और ये देखो बीच में गाड़ी है और ये मन्नू है। वेलकम टू कांगड़ा देवी। अगर आप भाई आपने वो प्ले कार्ड पढ़ा था उसमें लिखा होता गरीबों के लिए फ्री मास्क, ये करने के लिए भी जिगरा चाहिए। आप खुद एक रेडी पे खड़े होकर मास्क बेच रहे हो और आपने लिखा हुआ गरीबों के लिए फ्री मास्क, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। वी शुड अप्रिशिएट दोस पीपल जो ऐसा कुछ करते हैं। सो हाउ यू कैन डू दैट, यू कैन बाय सम स्टफ फ्रॉम देम, एंड मतलब चाहे वो अपने लिए पर्सनली उसके लिए लेना है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट इफ यू बाय एंड एनकरेज देम, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू व्हाइल गोइंग बैक। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं।
दर्शन कर लो आप लोग भी। मैं अपनी YouTube फैमिली को बोल रहा हूँ, दर्शन कर लो आप भी। बहुत कम मंदिर में ऐसे अप्रूवल मिलता है जिसमें नहीं बोलते, अभी तक तो कोई कह नहीं रहा, तो इसलिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। गाइस ये यहाँ से मंदिर से बाहर आते हैं, आई होप आप लोगों को भी अच्छे दर्शन हो गए हों। देखो जैसे आपको पता शिवा कहीं भी जाती है तो उसे मतलब ढूंढ ही लेती है, अब ये नया शिवा ने ढूंढा। हाउ इज इट? नो आई एम नॉट वेयरिंग, आई डोंट वांट। सो गाइस आई होप आप लोगों की बहुत अच्छे दर्शन हो गए होंगे, उस बहुत अमेजिंग दर्शन हुए। एक तो अभी आज ही अच्छे सारे मंदिर खुले हैं, इसकी वजह से हमें जो भीड़ कम मिल रही थी और मंदिर में दर्शन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड दैट गुड दैट आई वाज एबल टू शूट दैट एग्जैक्टली अंदर मंदिर के भी काफ़ी भीड़ भीड़ नहीं थी, उन्होंने मना भी नहीं किया। हेलो गाइस हम पहुंच गए हैं चामुंडा देवी, अभी हम चामुंडा देवी में हैं, अंदर जाएंगे, अभी बाहर रुके हैं। अभी एकदम नींद आ रही थी बहुत तेज, में चलते चलते सो भी गया गाड़ी में। हाँ ठीक है लेते हैं आते हुए। यहाँ मैंने अभी एक मोमोज वाली शॉप देखी है, मैं मोमोज खाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और साथ झूले 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 इसमें मेरे से नहीं चढ़ाया था, मुझे डर लगता है इसमें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाने के लिए ये पाथवे बना रखा है। पीछे बहुत अमेजिंग सी नदी बह रही है, क्या बोलते हैं इसे, वेरी सूदिंग।
अंदर दर्शन अच्छे थे, मतलब हमें तो अच्छे थे हो गए, बट एक्चुअली वो मैं रिकॉर्ड करने वाला था और किसी ने पीछे से बाद में आज बोला कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैंने बंद कर दिया। ऑल दो एक शॉट है जो आपने अभी देख ही लिया होगा, तो आई होप आपके भी दर्शन हो गए होंगे। मेरे हमारे दर्शन बहुत अच्छे थे, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इतना आराम से दर्शन होते हैं, बट पापा ने बताया कि यहाँ दर्शन एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, बहुत भीड़ होती है। बट अगेन आई टोल्ड यू पहले भी कि हम में भी फर्स्ट डे पे आ रहे हैं आफ्टर खुलने के बाद, और वी आर लकी कि हमें ऐसा माहौल मिला और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। क्या सूदिंग माहौल है यहाँ पर, मन कर रहा है यहाँ पर रुक जाएँ, बट अभी यहाँ रुकना नहीं है, हमें यहाँ से आगे जाना है एक और जगह पर, वो आज का हमारा लास्ट जगह होगी और वहाँ जाके हम रेस्ट करने वाले हैं, एज इन वहीं आज नाइट स्टे करेंगे एंड देन फिर आगे जाके बताता हूँ। तो गाइस हम चामुंडा देवी में हैं और यहाँ पर हम खाने आए हैं मोमोज, क्योंकि ऐसी जगह से मोमोज खाने का मज़ा ही अलग है। मैं तो पता नहीं कितने टाइम से मोमोज खाए नहीं है, ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस बना हुआ है। तो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए दर्शन रिकॉर्ड कर लिए थे, वो आपने देख ही लिए होंगे। अभी हो रहे हैं 4:45, तो हम सोच रहे हैं यहाँ से मैक्लोडगंज जाने के लिए, और यहाँ से मैक्लोडगंज है कुछ 1.25 घंटे का रास्ता, बट रास्ता बहुत सीप है और थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इसलिए देखो कंसीडरिंग कि मतलब नहीं जाते हैं, मुझे तो मैं तो कभी गया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी तक तो 99% हम वहीं जा रहे हैं। अगर प्लान में कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूँ, अदरवाइज विल सी यू एट मैक्लोडगंज। Thank you.